तो भाई तो आप सभी का स्वागत है मेरे पहले रूम में। और अभी मेरे को 3 दिन पहले सैमसंग कंपनी के मालिक का फोन आया था और वो कह रहा था जी भाई हम लोग सैमसंग गैलेक्सी S24 नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं और उसकी लॉन्च इवेंट हमने रखी है इंडिया में दिल्ली में, तो आपको आना पड़ेगा। और मैंने बोला अच्छा आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, उसी के लिए मैं कल सुबह मॉर्निंग में निकलने वाला हूँ सूरत एयरपोर्ट के लिए, और सूरत एयरपोर्ट से मैं जाऊँगा दिल्ली, और ये होने वाला मेरा पहला इवेंट जिसे मैं अटेंड करने वाला हूँ। वैसे दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो मैंने स्वेटर ले लिया है, हालांकि मैंने बैग जो है ना वो पूरा पैक कर लिया है, वैसे स्वेटर बाकी है। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी कल सुबह इसको मैं बैग पैक के अंदर साथ में डाल दूंगा और सीधा निकल लूंगा एयरपोर्ट के लिए। तो अभी रात के 2 बज चुके हैं, मैं सोने के लिए जाने वाला हूँ। मेरे को एक क्लिप रिकॉर्ड नहीं करनी थी, बाद में मैंने सोचा कर लेता हूँ, काम बन जाए क्या। दूसरे दिन सुबह 10 बजे भाई हम लोगों को एयरपोर्ट पर मिले हमारे फ्रेंड। अब कितने टाइम में देखते हैं? 2000 दिनेश भाई, और ये है नेपाल, और देखो इंटरनेशनल स्टार। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मुकेश, उत्तराखंड। उत्तराखंड, आप खुद का मुकेश तो जानते हो? अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे सीधा से दिल्ली में। चलो भाई बाजू में जाता है, पता नहीं कहाँ पर जाता है, बट सीक्रेट दरवाजे यहाँ पे होटल में रहता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें तुम अगर देखोगे तो ये रूम है पूरा, और बाकी ये सब चीज़ें रखी हुई है। ये खाने के लिए कुछ चॉकलेट वगैरह, ये चॉकलेट है, ये स्टार है भाई। मेरे को ना समझ नहीं रहा है कौन सी चीज़ क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये तो समझता है मेरे को, एप्पल है और ये केला है। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी मेरे को फेस रील किए हुए 15 दिन हुए, और मैंने 15 दिन में फेस रील के बाद एक Q&A वीडियो डाला और एक फेस रील वाला वीडियो जिसमें मैं थोड़ी देर के लिए दिख रहा हूँ। बट जब मैं सूरत से निकला अपने घर से कैब लेके, वहाँ पर मेरे को 3-4 लोगों ने पहचान लिया और वो कहीं थे फोटो खिंचवाया। उसके बाद मैं आया सूरत एयरपोर्ट, उनका तुमने वीडियो देखा, वो लोग भी मेरे फैन थे, उनके साथ मैंने फोटो खिंचवाया, उनको देख के और लोग आए, मैंने फोटो खिंचवाया भाई। मतलब एकदम वो वाला सेलिब्रिटी वाला फीलिंग नहीं आता, वो मेरे को दे दिया है। और प्लेन में बैठने के बाद क्या हुआ सुनो, तो प्लेन में मैं और मेरा भाई ऐसे ही हम लोग बातचीत कर रहे थे, और सामने वाली सीट में बैठी थी एक आंटी जी जो कि हमारी बातें सुन रही थी। बट मेरे को लगा कि मतलब पहले मेरे को लगा था जाहिर सी बात थी शायद से मेरे को पहचान गया, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने भी कुछ बोला नहीं। बट जब हम लोग दिल्ली लैंड किए, वो मासी मेरे पास आए और वो आंटी जी ने अपने बेटे को कॉल किया और वीडियो कॉल पे मेरी बातचीत करवाई। आंटी जी ने वही बोला कि घर पे आपकी बातचीत मेरा बेटा बहुत ज़्यादा करता रहता है इस टाइप से। तो भाई मेरे को ना पूरा सेलिब्रिटी वाला यहाँ पे फीलिंग आ रहा है, मज़ा आ रहा है सब।